सिविल सर्जन द्वारा सभी विभागों का किया गया निरीक्षण, अल्टीमेटम में दिया गया सुधार का निर्देश। नमस्कार, मैं हूं पूनम पांडे और टाइम फैक्स न्यूज में आपका स्वागत है। रोहतास के सासाराम सदर अस्पताल में लगातार लोगों द्वारा अनियमितता को लेकर कई बार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर प्रशासन के लोगों द्वारा जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। कई बार तो मीडिया कर्मियों द्वारा इस मसले को लेकर खबर बनाने के दौरान भी अस्पताल कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग अनियमितता संबंधी वाकया को जब कैमरे में कैद करने की कोशिश भी करते, तो अपनी नाकामी से बचने के लिए उपस्थित कर्मचारियों द्वारा मीडिया कर्मियों को फर्जी बताकर वीडियो डिलीट करने का भी दुस्साहस करने के मामले में सामने आ रहे थे। वहीं इस मसले को लेकर जब सिविल सर्जन को अवगत कराया गया तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए हर एक वार्ड तक औचक निरीक्षण करते हुए सभी कर्मचारियों को हड़काया और साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खेद प्रकट किए। तो आइए इस बारे में लेते हैं पूरी जानकारी। जी हां सर, अस्पताल में निरीक्षण का दो पर्पस था। एक पर्पस ये है कि जो कमी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसको पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ हमें कमी बुझाया है वहाँ बोलते गए हैं और उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। नंबर टू, वर्किंग स्टाइल ऑफ हॉस्पिटल में जो है, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स का जो है इंडोर पेशेंट को रेगुलर देखने का जो नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमें खेद है और इसको हम दृढ़ता से पालन करने के लिए अपने उपाधीक्षक साहब को कहे हैं कि सभी डॉक्टर जो यहाँ पेशेंट एडमिटेड हैं उनको प्रतिदिन देखे जाने का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जहाँ तक हो सके संभव जितनी भी औषधि है अस्पताल में उसको दिया जाए और बहुत माने ज़रूरी हो तभी बाहर का कुछ दवाई लिखा जाए, नहीं तो यहाँ का दवाई से अगर ठीक किया जाता है यहाँ दिया जाए। ठीक है, अस्पताल के वार्ड का साफ़ सफाई, बाथरूम, लेटरिन ये सब देखे हैं, जहाँ जहाँ खराबी है वहाँ बताए हैं कि उसको ठीक किया जाए। अभी तक तो इंडोर पेशेंट्स को देख के हम नहीं निष्कर्ष निकाले हैं और इसी बात। थैंक यू सर।